जय स्वामीनारायण। बच्चों आज हम अभ्यास सात में हिंदी में आज हम एकम सात ढूंढते जाएंगे। एकम जिसका साहित्य प्रकार है पहेली, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों पहेलियां तो हम सभी को बहुत ही अच्छी लगती है, आपको भी पसंद होगी। आपकी निशाला में और आपके मित्र आपसे पहेलियां पूछते भी होंगे। तो बच्चों पहेलियों से क्या फायदा होता है, ये हम एक बार देख लेते हैं। पहेलियां मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है। पहेली जिसे गुजराती में उखाना कहते हैं। पहेलियां मनोरंजन यानी कि हमें आनंद देती है और साथ साथ हमारे दिमाग की कसरत भी कराती है। साथ ही कल्पनात्मक तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है, यानी कि सोचने की शक्ति को भी पहेलियां है वो बढ़ावा देती है। पहेलियां रोचक मजेदार होने के साथ साथ भाषा विकास में भी सहयोगी है। वह रोचक यानी कि हमें मजा आए, रस उत्पन्न हो ऐसी होती है और साथ साथ भाषा का भी विकास होता है। पहेलियां हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है। ऐसे ही कुछ पहेलियां यहाँ पर दी गई है। तो बच्चों आपका सातवां एकम है उसमें कुछ पहेलियां है वो आपको दी है। मैं बोर्ड पर इसके जवाब तो दिए है पर हमें पहले सोचना होगा कि इस पहेली का जवाब ऐसा क्यों आया। पहली पहेली है सोने की वह चीज है पर देखे नहीं सुना। सोने की चीज है पर सुना है, यानी कि जो सोने की चीज देखता है उसे सुना कैसे। सोने की वह चीज है मगर सुना है वो नहीं देखता। मोल तो ज्यादा नहीं बहुत है उसका हाँ। मोल यानी कि मूल्य, उसके पैसे बहुत ज्यादा नहीं। जब हम बाजार में उसे खरीदने जाते हैं तो उसका मूल्य उसका मोल है वो ज्यादा नहीं मगर उसका वजन बहुत ज्यादा है। तो बच्चों सोने यानी कि कोई धातु की बात नहीं की मगर हम जो नींद लेते हैं चार फाइबर उसकी बात की है, वह सोने की बात की है। यानी कि पहली पहली है उसमें जवाब आएगा चार पाई, यानी चार पाई पर हम सोते हैं और जब हम उसे बाजार में खरीदने जाते हैं तब उसका मूल्य बहुत ही कम होता है मगर वह वजन में बहुत ही भारी होता है। तो इसका जवाब आएगा चार पाई। अब हम दूसरी पहली देखेंगे। एक नगर में हीरो एक नगर था उसमें हीरो कई सारे चोर रहते। चोरों का मुंह काला सभी चोर थे, उसका मुंह कैसा था काला। पुश पकड़कर खींच दो झट हो जाए बेचारा, उसकी वो चोर था उसकी पुश है उसे पकड़कर जो तू खींच लो तो चारों ओर क्या हो जाएगा उजाला। तो बच्चों इसका जवाब आएगा माचिस। माचिस होता है उसमें उसकी तीली होती है, उसका मुंह काला होता है और जब हम माचिस की पूछ यानी कि अंतिम भाग है तिली का वो जब हम पकड़कर उसे खींचते हैं तो वो प्रज्वलित होती है और उनमें से अग्नि है वो उत्पन्न होती है और चारों ओर उजाला है वो फैला देती है। तो दूसरी पहेली का जवाब होगा माचिस। तीसरी पहेली पानी मेरा बाप यानी कि पानी है वो मेरे पिताजी, पानी ही मेरा बेटा, मेरा बेटा है वो भी पानी है। मुंह ऊपर करके देखो मैं सबसे ऊपर लेटा, अगर आप मुंह को ऊपर करके देखो तो मैं सबके ऊपर लेटा हुआ। तो बच्चों इसका जवाब होगा बादल, यानी कि बादल है उसमें से ही पानी टपकता है और उसमें वही उसका बेटा है। पिता भी बादल है और पुत्र भी बादल है, यानी कि इसका जवाब होगा बादल। चौथा है खुली रात में मैं पैदा होती हूँ, हरी घास पर सोती हूँ। खुली रात यानी कि जब बहुत गहरी रात हो जाती है तब मेरा जन्म होता है
हरी घास पर सोती हूँ और हरी हरी घास होती है वहां मैं सोती हूँ। मोती जैसी मूरत मेरी, मोतियों जैसी मेरी मूरत, यानी कि मैं दिखने में कैसी हूँ तो के मुझे देखो तो आपको लगे कि जैसे मोती हो, इसलिए कहा है कि मोती जैसी मूरत जैसी मैं मोतियों जैसी दिखती हूँ। बादल की मैं होती हूँ और बादल की मैं होती हूँ। तो बच्चों यह है ओस। उसको तो आप जानते ही होंगे, गुजराती में इसको छागल की बूंदे कहते हैं। जब ठंडी की रोत आती है तब तो बड़े सवेरे तुम देखा कार पर या किसी चीज पर बड़े सवेरे बूंद होती है पानी की, उसे ओस कहते हैं। तो बच्चों चौथी पहेली है, उसका जवाब आएगा ओस। पानी इधर के बाद उधर में करता है, इधर यानी कि मेरे घर के बाद में किसी और के घर करता है, उधर की इधर में बताता और दूसरे घर की बात है वो मैंने अपने घर में करता। चुगल खोल पर कहे ना कोई, सबके काम में आता, मुझे कोई चुगल खोल नहीं कह सकता मगर मैं सबके काम आता। चुगल खोल यानी कि पीठ पीछे बुराई करने वाला मुझे नहीं कहता क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, इसकी बात उसके घर और उसकी बात इसके घर करता हूँ मगर कोई मुझे चुगल खोर, चुगल खोर का मतलब होता है पीठ पीछे बात करना, मगर कोई मुझे चुगल खोर नहीं कह सकता मगर मैं सबके काम आता हूँ। बच्चों ये जवाब तो आपको सबको याद होगा क्योंकि इसका जवाब है टेलीफोन, क्योंकि हमारे घर के पास हम फोन के द्वारा दूसरों को करते हैं और दूसरे लोग हैं वह अपने फोन से हमें सारी बात है वो बताते हैं। तो इसका जवाब होगा चुगल खोर। अगला, सोने को पलंग नहीं, सोने के लिए पलंग नहीं है, नहीं महल बनाए, महल भी नहीं है बनाने के लिए, एक रुपया पास नहीं फिर भी राजा कहलाओ। मेरे पास महल भी नहीं है, सोने के लिए पलंग भी नहीं है, एक रुपया भी मेरे पास नहीं है, मैं कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं फिर भी मैं राजा कहलाता हूँ। तो बस ऐसा कौन सा प्राणी होगा कि ऐसा कौन सी चीज होगी कि जो कंगाल, जिसके पास न तो पैसा है न सोने के लिए पलंग है और न ही रहने के लिए महल, फिर भी उसे सब राजा बुलाते हैं। तो बच्चों इसका नाम होगा शेर। शेर है वह जंगल का राजा कहलाता है, उसके पास सोने के लिए पलंग भी नहीं है, रहने के लिए महल भी नहीं है और पास में कोई पैसा भी नहीं है, फिर भी जंगल का राजा कौन कहलाता है? शेर। तो इसका जवाब आएगा शेर। अगला, तीन अक्षर का मेरा नाम है वो केवल तीन अक्षर का, पानी देना मेरा काम, सबको पानी देता हूँ, मेरा नाम तीन अक्षर का है और मैं सभी को पानी देता हूँ। प्रथम कटे तो दर कहलाओ, अगर मेरे नाम का पहला शब्द है वो कट जाए तो दर कहलाओ, बीज कटे तो बाल कहलाओ। तो इसका जवाब आएगा बादल। बच्चों मैं आपको लिख कर बताती हूँ कि इसका जवाब बादल कैसे आएगा। देखो बादल है वो तीन अक्षर का नाम है ना, वह सभी को पानी भी देता है, ये बात भी समझ में आ गई। उसमें लिखा है प्रथम कटे तो दर कहलाओ, अगर ये शब्द है वो कट जाए तो क्या बचेगा? दर। बीज कटे तो बाल कहलाओ, ये बीज वाला शब्द है, यदि वो कट जाए तो क्या बचता है? बाल। पे
पहले में प्रथम शब्द का किया तो गर्भ हो गया, दूसरे में द शब्द है वो बीच वाला शब्द है वो काट दिया तो बाल हो गया। तो हमें इस पहेली का उत्तर है वह सोचने के लिए दिमाग के साथ साथ कुछ कार्य भी करना होगा कि यदि हम पहला शब्द काटे तो द रहता है और बीच वाला काटे तो बाल, तो तीनों शब्द को हम जोड़ ले तो क्या बनता है बादल, यानी बादल है वो तीन अक्षर का शब्द है वो हमें पानी भी देता है और आगे का शब्द निकाल दे तो दर रहे और बीच का शब्द निकाल दे तो बाल रहे, यानी कि इसका उत्तर होगा बाल। बच्चों आपको अभ्यास दिया है, सेजल ने काम कर दिया, कर भुगतान कराना हमारा कर्तव्य है और विजय ने कर छोड़कर माफी मांगी। यहाँ पर सेजल ने काम कर दिया यानी कि उसने कर शब्द है यानी कि कोई कार्य है उसे पूर्ण होने का बोध करा दिया। दूसरा है कि कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है, यहाँ पर कर है वह किसी घेरा, हम भरते हैं ना मकान का पानी का ये सब घेरा, यानी कि कर है वो हम भुगतान करते हैं। और तीसरा है वाक्य विजय ने कर जोड़कर माफी मांगी, यहाँ पर कर है उसका मतलब है हार। बच्चों कर शब्द तीन बार इस्तेमाल हुआ है मगर तीनों बार इसका अर्थ है वो हमें अलग अलग दिखाई देता है। पहले शब्द में कर है उसमें किसी कार्य में होने की बात की गई, दूसरे शब्द में कर है वह वीर की बात की गई और तीसरे शब्द में कर है जो हमारे हाथ है उसकी बात की गई। तो बच्चों ऐसे कई शब्द है के जिनके एक शब्द एक है मगर उसके अर्थ विभिन्न अलग अलग होते हैं। उसी तरह हम देखते हैं एक और पहेली जो कि भारत आपकी पाठ्य पुस्तक में दी है, इसकी हमें पहेली बनानी है। तो जहां पर रिक्त स्थान है वहां हमें कोई शब्द डालना है और यह पहेली है उसे पूर्ण करना है। तो बच्चों तीन अक्षर का नाम है, पहली रिक्त स्थान है उसमें हम तीन डालेंगे, दुनिया में है सबसे न्याय, दूसरी रिक्त स्थान है उसमें खाली जगह है उसमें क्या होंगे सबसे, अंत कटे तो अगर ये अंत कट जाए तो क्या बचता है भाग, तो खाली जगह में क्या आएगा भाग, बीच कटे तो भाग होगा अगर ये भाग जाना है तो हमें ये दोनों शब्द है उसे निकाल देंगे, ये शब्द है वो निकाल लेने बीच वाला, बीच कटे तो क्या हो जाता है बाल, तो ये हमारी पहली है वो पूर्ण होती है। पहली खाली शब्द है उसमें तीन, कितने अक्षर का नाम है तीन अक्षर का, दुनिया में है खाली जगह न्याय सबसे न्याय, अंत कटे तो बाल, यहाँ पे अंत है उसे हम काट देते हैं तो क्या बचता है बार, तो कितने खाली जगह है उसमें बार आएगा और अंत में है बार, बार शब्द हमें लाना है तो हमें ऐसा कौन सा शब्द निकालना होगा, तो बच्चों हमें बीच वाला ये दो है उसे निकाल देंगे तो बार तो शब्द है वो आएगा। आप देखते हैं कि दो है उसे हम निकाल दें तो बार शब्द हो जाएगा, तो इस खाली जगह में हम क्या लिखेंगे बीच वाला शब्द है वो कट जाए तो पार शब्द। तो बच्चों ऐसी एक और पहेली है सूरत, खाली जी क्या अक्षर खाली जी क्या नाम मेरा, उसमें पहली है खाली जी उसमें तीन अक्षर और दूसरी है उसमें का, क्योंकि सूरज का नाम है वो तीन अक्षर का है तो तीन अक्षर का नाम है, उजाला देना काम है सबको मैं उजाला देता हूँ, पहला कटे तो रज कहलाऊ,
सूरज है उसमें ये पहला शब्द है वो कट जाए तो क्या होगा रज, तो खाली शब्द में क्या आएगा पहला कटे तो खाली से क्या करता हूँ तो पहला है उसने काट दिया तो क्या आया तो ये रज, तो खाली शब्द में क्या आएगा रज। अंत कटे तो खाली जगह बन जाओ यदि अंत है उसे हम काट दे तो क्या होगा तो खाली जगह में क्या आएगा बच्चों सुर। अंत कटे तो सुर बन जाओ। बच्चों आपको ऐसी ही पहेलियां ढूंढनी और नई नई पहेलियां है बहुत बनानी है आपको, यह एकम पढ़ने में बहुत ही मजा आया होगा। जय स्वामी नारायण।